गंजबासुदा में 3 अपहरण की घटनाएं निकली झूठी। पुलिस ने प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया। अपहरण की घटनाओं की जानकारी से नगर में भय का माहौल है। नागरिकों ने प्रशासन पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। नगर में बढ़ते नशे के व्यापार और अपराध के चलते पुलिस की धरपकड़ निरंतर जारी है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से नगर में नाबालिग बच्चों के अपहरण संबंधी चर्चा पूरे नगर में चल रही थी, जिस पर सोमवार को गंजबासुदा SDOP भारत भूषण शर्मा और सिटी थाना प्रभारी सुमी देसाई ने खुलासा करते हुए अफवाहों पर विराम लगा दिया। सिटी थाना कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि तीनों घटनाओं की जांच के बाद पता लगा है कि नगर में घटित अपहरण संबंधी सभी घटनाएं भ्रामक हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं किया और उन्हें समझाया कि दोबारा ऐसी गलती ना करें। गंजबासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। की गई थी किस संदर्भ में थी और क्या इसमें आपने अपना वक्तव्य रखा? इसमें क्या है, गत सप्ताह 3 बच्चों के जो अपहरण की अफवाहें जनता में चल रही थी, उस पर से ये पूरी थाना प्रभारी सिटी बासुदा और देहात बासुदा के द्वारा जो प्रयास किया गया था, तो उसमें अपहरण की कोई घटना घटित होना नहीं पाया गया। नवांकुर गली से जो बच्चा गया था वो फिल्मी हीरो बनने के हिसाब से अपने मित्र के साथ जा रहा था, जिसने बच्चे ने स्वीकार किया कि मैं बॉम्बे जा रहा था। बच्चे से विरोध करके वो घर वापस आ गया। दूसरे नंबर पर जेंस किराना स्टोर मोहल्ले से जो बच्चा गया था, उसका दूसरे दिन इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश का पेपर की उसकी तैयारी नहीं हो पाई थी, इस वजह से वो बच्चा घर से पालकगणों को बिना बताए चला गया। उस बच्चे ने भी स्वीकार किया अपने पालकगणों के साथ में, कोई अपहरण की घटना घटित नहीं हुई। तीसरे में एक चबूतरे पर महिलाएं 10-15 बैठी हुई थी, जिनमें चर्चा चल रही थी। अफवाह आई तो उन्होंने भी उसी समय योग सहयोग से एक मोटरसाइकिल जा रही थी, 2 लोगों के बीच में एक बच्चा बैठा था जो हाथ हिला रहा था, उसको देख के उन्होंने भी काल्पनिक रूप में सूचना दी थी, संबंधित थाना प्रभारी को बताया तो उसको भी उन्होंने कहा ऐसा अपहरण का उन्होंने सोचा, जबकि अपहरण जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। तीनों के पालकगणों के स्टेटमेंट्स और बोल लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।